हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ रिशिका, और आज अभी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, इट मींस कि इनसाइट आईएएस की हम लोग करंट अफेयर्स क्विज़ वाली मैगजीन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये जो मैगजीन है आपकी अप्रैल मंथ की है। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि इकॉनमी की कुछ क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस किए थे, 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। रेस्ट ऑफ द 5 क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करने वाले, और इसी तरीके से अब ये मैगजीन्स में स्टार्ट कर रखी हूँ, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था कि यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह वगैरह, बट अब यहाँ पे मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि आपकी एग्जाम्स जो है वो अक्टूबर में है, तो यहाँ पे सबसे बेटर चीज़ है कि मुझे यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे पिकअप की हूँ, देखती हूँ क्या होता है, जैसे होता है फिर मैं उसको मैनेज करूँगी, ठीक है। इकॉनमी कि फर्स्ट 10 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, और हाँ, जनवरी तक आपकी यहाँ पे कंप्लीटेड है। अगर आप लोगों को प्रीवियस लेसन भी देखनी है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो इनसाइट आईएएस की, आप लोगों को प्रीवियस मंथ की भी, स्टैटिक करंट अफेयर्स की, और साथ ही साथ आपकी जो है मंथली करंट अफेयर्स की भी यहाँ पर क्विज देखने को मिलेगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग विजन आईएएस के मंथली मैगजीन से आप लोग जो डिटेल्स में आप लोग पढ़ते हो, थ्योरी पढ़ते हो, उसी के साथ साथ आप लोग इनसाइट की कुछ क्विज भी सॉल्व कर लेते हो, तो करंट अफेयर्स में आपका पकड़ बहुत अच्छा हो जाता है। ओके, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी के लास्ट 5 क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन से, और ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन होगी, क्योंकि 10th तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपनी आंसर को यहाँ पर टिक मार्क जरूर कर लीजिएगा, फिर मैं आंसर बताऊँगी तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको करेक्ट बतानी है, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है करेंसी एक्सचेंज रेट के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एक जो यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज रेट होती है दूसरे करेंसी के साथ, तो ये रिफ्लेक्ट करती है रिलेटिव डिमांड, यानी कि होल्डर्स में, जो कि दो करेंसीज़ के बीच में जो होल्डर्स होते हैं उनके डिमांड को ये आपका रिफ्लेक्ट करती है। सेकेंड है कि नीर, इट मीन्स कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये बेटर होता है जब हम लोग एक्चुअल चेंज देखते हैं एक्सचेंज रेट में, और इसको जो है ना आप लोग इसको डोमेस्टिक इन्फ्लेशन के तौर पे भी देख सकते हो। जब किसी के भी कंट्री में, इकॉनमी में अगर इन्फ्लेशन आती है उस कंट्री में, तो उसके अकाउंट में भी इसको देखा जाता है। और थर्ड है कि कुछ फैक्टर्स है, जैसे इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है किसी कंट्री की, वो यहाँ पे एक्सचेंज रेट को दोनों करेंसी के बीच में जो है कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे अगर हम लोग करेंसी एक्सचेंज रेट की बात करें, यानी कि जैसे डॉलर है या फिर रुपीज़ है, दोनों की एक्सचेंज रेट कुछ ना कुछ होती है, तो करेंसी एक्सचेंज रेट अगर हम लोग एक दूसरे के करेंसी के अकॉर्डिंग देखें तो ये डिमांड पे ही देखने को मिलती है, डिमांड पे ही ये रिलेटिव होती है। क्योंकि आप लोग देखते हो कि जो जितनी कंट्री अगर स्ट्रांग होती है उनकी करेंसी भी स्ट्रांग होती है, जैसे US जो है आज के डेट में पावरफुल कंट्री है, स्ट्रांग कंट्री है, तो उनकी जो आप देखोगे करेंसी है डॉलर है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है, जो ट्रेड होता है मैक्सिमम ट्रेड जो है डॉलर में होता है, क्योंकि एक स्ट्रांग कंट्री की जो है करेंसी हमेशा स्ट्रांग होती है। तो ये चीज़ यहाँ पे डिमांड आप लोग देख रहे हो कि कैसे डिमांड इसका बढ़ता है, यानी कि आपके डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है। वहीं अगर आप लोग अपनी रुपी के बारे में देखोगे तो ये इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हम लोग डेवलप्ड नेशन नहीं है, हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और बहुत टाइम तो हम लोग देखें कि हमारी रुपीज़ की जो वैल्यू है ना वो डॉलर के कंपेरिजन में हमेशा डाउन होते रहती है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग देखते हो कि करेंसी एक्सचेंज रेट जो है ना एक दूसरे करेंसी के लिए यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि डिमांड, अगर यहाँ पे होल्डर्स जो है डिमांड देख रहे हैं तो इस तरीके से करेंसी का आपका इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में आप लोग अगर यहाँ पे रीर और नीर के बारे में जानते हो तो ही आप लोग इस स्टेटमेंट को करेक्ट या इनकरेक्ट कर सकते हो, तो सेकंड हमारी इनकरेक्ट है, मैं आगे बताने वाली हूँ डिटेल में। थर्ड यहाँ पे आप लोग देखो कि ये भी करेक्ट है, क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर आप देखते हो कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर एक्सचेंज रेट आपका जो है, एक्सचेंज रेट अगर मैं बोलूं या फिर बैंक रेट बोलूं, बैंक रेट जो है आपका बढ़ा दिया जाता है, रेपो रेट आप लोग देखते हो कि बढ़ा दिया जाता है। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पैसे का आपका फ्लो हो जाना, ओके, तो इन्फ्लेशन हो जाता है। इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर मैटर करता है, और पॉलिटिकल कितनी स्टेबिलिटी है, तो इस तरीके की कंट्री में ये सारी फीचर्स होती है ना, तो ये कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट जो दोनों करेंसी के बीच में है उसको अफेक्ट करती है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सो हमारी करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो गई। आइए कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो करेंसी के एक्सचेंज रेट अगर हम लोग एक दूसरे के करेंसी में देखें तो ये तो ऑब्वियस है कि डिमांड को ही रिफ्लेक्ट करती है। इसी में आप लोग देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर US डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्गर है रुपीज़ से, और ये शो करती है कि यहाँ पे डॉलर की डिमांड जो है वो मार्केट में ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू रुपीज़, है कि नहीं। अब यहाँ पर हम लोग नॉमिनल और यहाँ पर नीर और नीर रीर की बात करती हूँ, आप लोग यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे रुपीज़ की जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है ना, अगर हम लोग इसके करेंसी के देखें, यानी कि
36 ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज़ के करेंसी के कंपैरिजन में देखें तो ये आपका जो है ना, हमारी आरबीआई क्या इसको देखती है, इसको रुपीज़ को जो है ना नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के टर्म्स में देखती है। ये वेटेड इंडेक्स होता है, यानी कि करेंसी कंट्रीज़ जो है ना जिसमें कि इंडिया ट्रेड करती है, यानी कि जिस कंट्रीज़ के साथ हम लोग ट्रेड करते हैं वहाँ पर ग्रेटर वेट देखने को मिलता है इस इंडेक्स में। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं तो मे बी यहाँ पर रुपीज़ में भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, तो इससे हमारे कंट्रीज की वेटेज जो है ना वो बढ़ती है। डिक्रीज अगर हम लोग इंडेक्स में देखें तो इससे क्या होता है, ये समझ में आता है कि रुपीज़ की वैल्यू जो है वो तो डिप्रिशिएट कर गई है, यानी कि रुपीज़ की वैल्यू गिर गई है। यहाँ पे एक और मेजर्स है जिसको यहाँ पे देखा जाता है कि एक बेटर आपका एक्चुअल चेंज देखने को मिलेगा, और बेटर एक्चुअल चेंज के लिए हम लोग रीर का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ना कि नीर का। तो ये है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, यानी कि रियल में देखने को मिलता है कि कितना यहाँ पर इफेक्टिव आपका एक्सचेंज रेट है, और ये एजेंशियली है कि जिसमें हम लोग इसको इम्प्रूवमेंट होते हुए देखते हैं नीर के ऊपर, क्योंकि ये जो आपका देखा जाता है ये डोमेस्टिक इन्फ्लेशन के टर्म्स में देखा जाता है कि सीवी कंट्री के इकोनॉमिक्स में अगर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है तो उसके टर्म्स में हम लोग रीर देखेंगे, नीर नहीं देखेंगे। ओके, बहुत सारी फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करती है दो करेंसी के बीच में, तो ये भी आप लोग देख लिए। इन्फ्लेशन जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ये हमारी न्यू डेवलपमेंट बैंक के ऊपर है, आपको करेक्ट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि ब्रिक स्टेट के द्वारा यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया की वो यहाँ पे लोन असिस्टेंस ले सकती है एनडीबी से। थर्ड है कि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है एनडीबी के। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इस ऑप्शन से ये तो पता चल गया कि फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, एनडीबी जो है ये हमारा किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, ब्रिक्स नेशन के द्वारा यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट इंडिया की जो है ना वो यहाँ पे लोन असिस्टेंस ले सकती है। हाँ भाई, ले सकती है क्योंकि ब्रिक्स की ये मेंबर कंट्री है, ठीक है, यहाँ पर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और यहाँ पर साउथ अफ्रीका हो गई, तो इतनी कंट्रीज़ की तो लोन असिस्टेंस ले ही सकते हैं एनडीबी से। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड भी हमारी सही हो गई, तो दो ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो गए। थर्ड में आप लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है या नहीं है, ओके, लेकिन फिलहाल हम लोग नहीं है, सो हमारी करेक्ट आंसर इज सी। अब हम लोग डिटेल देख लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक आपका बनाया गया था, ठीक है, और इसमें आप देखोगे कि जो बैंक है वो यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट जो प्रोजेक्ट होती है उसको सपोर्ट करती है, और सपोर्ट कैसे करती है, तो लोन देके, गारंटीज देके, इक्विटी पार्टिसिपेशन या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है सपोर्ट करती है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देखोगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो डिसाइड की है कि 6,000 करोड़ जो है आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट को देगी, वो भी बहुत सारे प्रोजेक्ट में। वहीं अगर हम लोग ऑथराइज कैपिटल देखें एनडीबी की तो ये $100 बिलियन है, वहीं पर इनिशियल सब्सक्राइब कैपिटल देखें तो $50 बिलियन है। इनिशियल सब्सक्राइब कैपिटल जो है ना ये इक्वली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं, यानी कि फाउंडिंग मेंबर आप लोग यहाँ पे 5 देख सकते हो, तो ये है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो पांचों कंट्री जो है एक एक कंट्री यहाँ पे $10 बिलियन देती है, तो इसलिए यहाँ पे इनिशियल जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो $50 बिलियन है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। वोटिंग पावर अगर हर मेंबर का आप देखोगे तो इक्वल है, जितने भी यहाँ पे सब्सक्राइब शेयर है इसमें, तो वोटिंग पावर भी इक्वल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे, यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तीन स्टेटमेंट दिया गया है, तो पहले स्टेटमेंट देख लीजिए। फर्स्ट है कि जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का जीडीपी में वो आज के डेट में आपको 16% देखने को मिलेगा, वहीं अगर हम लोग 1915 के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे 52% था। सेकेंड आप लोग देखो कि क्रॉप लोन जो है वो यहाँ पे आपका 90% टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए है। थर्ड है यहाँ पे कि एज़ पर लेबर ब्यूरो रिपोर्ट 2015-16 60% से भी ज़्यादा जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो यहाँ पे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में एम्प्लॉयड है। तो आपको बताना है कि कौन सी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे ऑप्शन आप देख लो, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री पढ़े हो तो आप लोग को ये अंदाज़ा होगा कि हमारी 1950s के टाइम में जो है ना एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती थी, जब हम लोग जो है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो गए थे 1947 के बाद, तो हमारी बेसिक जो यहाँ पे नीड थी कि लोगों की फूड सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना, और सबसे ज़्यादा जो ध्यान था वो एग्रीकल्चर पर था, इसलिए यहाँ पर आप लोग देखोगे कि जीडीपी में 52% तक ये कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता था, लेकिन आज के डेट में यही घट के 16% हो चुकी है। क्रॉप लोन की बात करें तो ऑब्वियस है कि आप लोग को पता है कि क्रॉप लोन बहुत ज़्यादा लिया जाता है, और इसी के चलते जो है ना फार्मर्स बहुत ज़्यादा डेट में चले जाते हैं, कर्जे में चले जाते हैं, तो अराउंड 90% तक ये क्रॉप लोन में चला जाता है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, सो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए हो गई। अगर हम लोग सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल वर्कर्स जो थे वो 481 मिलियन तक थे, वहीं अगर 118 मिलियन कल्टिवेटर्स थे, 144 मिलियन एग्रीकल्चर लेबरर्स थे, इसका मतलब है कि 55% तक जो टोटल वर्कर्स थे वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में जो है वो आज के डेट में, या फिर यहाँ पे तो हम लोग सेंसस के हिसाब से देख रहे हैं, तो वो एंगेज्ड है। जो
परसेंटेज शेयर ऑफ वर्कर्स इंगेज्ड है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, तो ये धीरे धीरे जो है यहाँ पे आपका डिक्लाइन हो रहा है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि डिक्लाइन क्यों हो रहा है, क्योंकि माइग्रेशन हो रही है, लोग जो है बेटर वर्क के लिए बाहर निकल कर आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ है। लेकिन इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 46.1% वर्किंग पॉपुलेशन है जो कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में एम्प्लॉयड है, तो ऑप्शन में 60% दी गई थी, इसलिए हमारी वो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई। ओके, अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, इट मीन्स कि 4th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको अरेंज करनी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में एजेंसी वाइज शेयर जो कि टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट आउटस्टैंडिंग में होती है। फर्स्ट है स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, सेकंड है रीजनल रूरल बैंक, एंड थर्ड है यहाँ पे ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी शेयर यहाँ पे आपकी ज़्यादा होती है, यानी कि टोटल क्रेडिट देने में कौन सी बैंक की शेयर ज़्यादा होती है, उसके बाद किसकी, उसके बाद किसकी। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने का कोशिश कीजिए आप लोग। स्केड्यूल कमर्शियल बैंक आप लोग को पता है कि कितने बड़े बैंक होते हैं, सबसे बड़ी बैंक है और रेगुलेट भी की जाती है डायरेक्टली। इसको स्केड्यूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आरबीआई एक्ट 1934 की जितनी भी नॉर्म्स है उसको ये फॉलो करती है। तो ऑब्वियस है कि सबसे ज़्यादा शेयर इन्हीं का होगा, तो वन सबसे ज़्यादा है। उसके बाद किसका होगा, उसके बाद आप लोग सोच सकते हो कि आरआरबी का है या फिर कोऑपरेटिव बैंक का है, इसमें आप लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो यहाँ पर जो आपका है वो कोऑपरेटिव बैंक का, सबसे कम शेयर जो होता है वो आरआरबी का होता है। ओके, तो 132 है, इट मीन्स कि हमारे बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो इस तरीके से आप लोग भी ध्यान दे सकते हो, और इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा दिया गया है। तो ये एजेंसी वाइज शेयर है हमारी यहाँ पे टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट में, तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्केड्यूल कमर्शियल बैंक का है, और उसके बाद जो है कोऑपरेटिव सेक्टर की है, उसके बाद आरआरबी की है, और उसके बाद म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन की है। ओके, तो चारों आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आते हैं 5th क्वेश्चन ऑफ द डे में। यहाँ पे आपको बतानी है कि कमर्शियल बैंक कंट्रीब्यूट जो कंट्रीब्यूट करती है वो भी बहुत सारे फंड्स के कॉर्पस में, जिसको डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, ये कुछ रिस्पेक्टिव प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ये कौन कौन सी फंड है, इस फंड में कौन कौन सी इंक्लूड है, ये आपको बताना है। RIDF यानी कि रीजन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव रिफाइनेंस फंड, या फिर MSME रिफाइनेंस फंड, या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज फंड। तो कौन कौन से फंड है जो कि इसमें इंक्लूड है, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, ऑब्वियस है, ये चारों यहाँ पे आपकी इंक्लूड है, ये सारी फंड जो है वो आपकी इंक्लूड है PSL नॉर्म्स में। ओके, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गई। कमर्शियल बैंक आप देखोगे तो कुछ RIFD के कॉर्पस में भी कंट्रीब्यूट करती है, दूसरे फंड में भी कंट्रीब्यूट करती है, जो कि DFI के द्वारा यहाँ पे एडमिनिस्टर किया जाता है, वो भी यहाँ पे PSL शॉर्ट फॉर्म्स, जो PSL है यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आपका कुछ सेक्टर्स को डिफाइन किया जाता है जिसमें कि बेसिकली बैंक्स जो है वो लेंड करते हैं। तो कुछ यहाँ पे एग्रीकल्चर है, कुछ एजुकेशन है, तो इस तरीके का सेक्टर्स जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, जिसके तर्ज पर यहाँ पर बैंक्स जो है वो उसको प्रायोरिटी देते हैं, उस सेक्टर्स को प्रायोरिटी देते हैं मनी को लेंड करने में। ओके, तो ये चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, ये इकोनॉमिक सर्वे का आपको देखने को मिलेगा एलोकेशन और प्रायोरिटी सेक्टर जो शॉर्टफॉल है वो बहुत सारे फंड में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ओके, तो हल्का फुल्का आप लोग को ध्यान रखना है कि हर तरीके का फंड जो है ना यहाँ पे आपका कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो गाइज, आज के लिए बस इतने ही, 5 क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के साथ। तो आज के लेसन आपको कैसी लगी, और 5 आउट ऑफ आपको कितने मार्क्स यहाँ पे आए ज़रूर बताइएगा, और लेसन ये अच्छी लगती है या फिर हेल्पफुल लगती है तो बस लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, सजेशन है तो कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।